हाय गाइस, तो मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जो मेरे को लगा आई शुड क्रिएट अ रिव्यू ऑन दैट। और क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग ये बुक खरीदना चाह रहे होंगे और पढ़ना चाह रहे होंगे, एंड दे आर नॉट श्योर इफ दे शुड गो फॉर इट और नॉट। बुक का नाम है हाउ नॉट टू डाई। और हाँ, इसके टाइटल पे मत जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये किताब पढ़ लोगे और यू विल गेट अ फॉर्मूला और समथिंग कि आप कैसे नहीं मरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक का रिव्यू। ये बुक लिखी है माइकल क्रेगर ने। एक्चुअली ये दिखने में बहुत मोटी बुक है, बट इसके एटलीस्ट 300 to 400 pages में सिर्फ अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्यों है? क्योंकि ये बुक दिस बुक इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च, और क्योंकि इस बुक में बहुत सारी रिसर्च को रेफरेंस किया गया है, इसलिए ये बुक इतनी मोटी हो जाती है। अब क्योंकि आपको इसके टाइटल से पता ही लग रहा होगा, इसके इस कवर से ग्रीन, सो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं वेजिटेरियन डाइट को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है। इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे पहले तो इस बुक को दो पार्ट्स में बनाया गया है। इसका पहला पार्ट आपको बताता है सारी डिजीजेस के बारे में जो कि मेन डिजीजेस हैं, जिससे सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं, जैसे कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर्स, हार्ट डिजीज, क्यों वो सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद सेकेंडली कैसे आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कैसे आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। पहले मुझे भी लगा कि कितना अलग कंसेप्ट है। नॉर्मली हमें कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी बड़ी डिजीज के लिए कोई बंदा जाता है तो डॉक्टर वो डिजीज को खत्म करने की बात करते हैं, पर इस बुक में बात की गई है डिजीज को रिवर्स करने की। और आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग चेंजेस इन योर डाइट, योर ईटिंग हैबिट्स, और आप कैसे वेजिटेरियन फूड्स, स्पेसिफिकली आई विल से वीगन फूड्स को ऐड करें अपनी डाइट में, और आप कैसे किसी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। इस बुक की एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये बुक डॉक्टर्स, जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है कि डॉक्टर्स, अ डॉक्टर शुड बी अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, जो मैं इस बुक से समझा। एक डॉक्टर भी बनने से पहले एक डॉक्टर को एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होना, फूड के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स आपको आपकी बीमारी को दवाई से खत्म करने की कोशिश करते हैं, और उन दवाइयों के हजारों साइड इफेक्ट्स होते हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि यार ये दवाई हमारी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सही कर देगी। लेकिन इस बुक में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, जो अपकमिंग डॉक्टर्स हैं या जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक संदेश भी है कि आप किसी भी डिजीज को, अगर वो वैसी स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज पे डेथ हो सकती है या कुछ ज्यादा सिवियरिटी हो सकती है, उससे पहले न्यूट्रिशन पे फोकस करें और न्यूट्रिशन से उस डिजीज को रिवर्स करने की कोशिश करें। सो इन दैट टर्म्स दिस बुक इज वेरी गुड। ऑल्सो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो जल्द ही वीगन डाइट में कन्वर्ट करने वाले हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू टर्न इनटू अ वेजिटेरियन, तो आपको मोटिवेशन देने के लिए बुक बहुत अच्छी है। ये बुक डेफिनेटली आपको बूस्ट करेगी कि आप जल्दी से जल्दी वो हैबिट्स लाएं और वीगन फूड ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसमें इंडियन लोग जो हैं या जो ऑलरेडी वीगन हैं या वेजिटेरियंस हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ज्यादातर चीजें इसमें अमेरिकन डाइट के रिस्पेक्ट में कही गई हैं, और अमेरिका में जो लोगों की डाइट बहुत खराब है और ओबेसिटी है और उससे जो 50 बीमारियां हो रही हैं उससे रिलेटेड, उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा लिखी गई है बुक, तो वहाँ वेजिटेरियन लोग, वहाँ अब वीगनिज्म इज अ काइंड ऑफ फैशन, लेकिन वहाँ नॉर्मली लोग ज्यादातर मीट ही कंज्यूम करते हैं, इवन 3 times a day, लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसमें मीट जरूर होता है या नॉन वेजिटेरियन फूड जरूर होता है। उनके रिस्पेक्ट में इंडियंस के लिए मैं कहूंगा जो ऑलरेडी वेजिटेरियन हैं उतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सो आप पढ़ सकते हैं, बट हाँ इसमें यह भी बताया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी हार्मफुल हैं, और आप उसकी जगह, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें बताया गया है कि आप कैसे वेजिटेरियन डाइट इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफस्टाइल में। उसके अलावा मुझे इस बुक में एक और बहुत अच्छी बात ये लगी कि
कि पहले पार्ट में उन्होंने हमें बता दिया सारे डिजीजेस क्या हैं, दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें बता दिया कि आप उनको सही करने के लिए इनकॉर्पोरेट कैसे करें। इन्होंने स्टार्ट किया है अपनी ग्रैनी से कि इनकी ग्रैनी को हार्ट डिजीज थी और कैसे डाइट में चेंज करके शी लिव्ड अप टू अराउंड 90 ईयर्स, और मतलब वो डॉक्टर्स ने पूरे हाथ अपने खड़े कर दिए थे कि नहीं हो सकता, बट डाइट में चेंज करने की वजह से धीरे 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 वो सही हुआ, और बहुत सारी रिसर्चेस दी गई हैं। सो दिस इज अ गुड बुक। क्या मैं इसको पढ़ने के बाद वीगन बन गया? प्रोबेबली नॉट, बट मैं इसलिए वीगन नहीं बना क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत ध्यान से सोचा और मैंने रियलाइज किया कि वी इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट प्रॉपर नॉन वेजिटेरियंस। हमारे यहाँ नॉनवेज बनता भी है तो हफ्ते में एक बार या दो बार, नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में कह रहा हूँ, एक या दो बार ही नॉन वेजिटेरियन बनता है, लाइक मीट, चिकन, फिश, पोर्क, व्हाटएवर दे ईट। तो होंगी कुछ फैमिलीज ऐसी भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में नॉनवेज हफ्ते में एक बार दो बार इतना ही बनता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी डाइट में इतना ज्यादा डेरी है, बहुत सारे जगह पे होता भी है, लाइक विलेजेस में और गांव में लोग डेरी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट मुझे नहीं लगा कि मेरी डाइट में इतना ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसलिए मेरे को तो ऐसे ऐसे सच कुछ चेंज नहीं किया इसने। पर हाँ, मैंने थोड़ा बहुत अपना डेली का भी जो डेरी इनटेक था वो थोड़ा कम कर दिया, और नॉनवेज तो मैं वैसे भी हफ्ते में सिर्फ एक बार या दो बार ही खाता हूँ, वो भी ऐसा कुछ मैं फॉलो नहीं करता। तो बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है कि आप जो इकोसिस्टम है, जो फूड चेन है, उस फूड चेन के आप जितना लोअर लेवल पे कंज्यूम करोगे फूड चेन को उतना बढ़िया है। लोअर लेवल कैसे? प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स, प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स, उन एनिमल्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? हम। तो वो कह रहे हैं कि आप जितना भी इस फूड चेन में लोअर लेवल पे खाओगे उतना वो फूड सेफ है आपके लिए और अच्छा है इन रिवर्सिंग द डिजीजेस, और जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर ऊपर खाओगे तो वो जो सब खराब चीजें हैं, बेसिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में कहूं तो जो भी सब उसके इल इफेक्ट्स हैं वो होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स इट, आई थिंक यही है सम अप इस बुक का मेरे लिए। अगर आपको वेजिटेरियन डाइट में जाने के बारे में सोच रहे हैं या यू हैव अ थॉट कि आपको एक वीगन बनना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट बुक। ये आपका कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करेगी, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी, बहुत सारी चीजों में मेरा दिमाग खोला इस बुक ने, और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। सो दैट्स इट, दैट इज माय रिव्यू। आप बाय कर सकते हैं कहीं से भी, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मेरे को अराउंड 400 या 500 की पड़ी थी बुक, आई एम नॉट एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेम्बर इवन, बट इट्स अ गुड बुक। थैंक यू।